ठाकुर की बिंदास बोल में मैं उमेश ठाकुर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी से माफी मांगूंगा क्योंकि मैं एक हफ्ते बाद ये रिव्यू करने जा रहा हूं और इसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूं क्योंकि जिस फिल्म का मैं रिव्यू करना चाहता था पिछले हफ्ते तो वो मैं कर नहीं पाया, क्योंकि जो फिल्म है जिस फिल्म के रिव्यू के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं वो रिव्यू मैं कर नहीं सका और पिछले हफ्ते रिव्यू करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाया। इसका कारण यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यूज सुने या लोगों से रिएक्शंस आए थे कि भाई ये फिल्म फ्लॉप है, एकदम बंडल है, बकवास है, कुछ ऐसे सब गलत सलत रिएक्शंस थी। तो मैंने सोचा कि भाई छोड़ दीजिए, ये फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। लेकिन कल मैंने ये फिल्म देखी और मुझे लगा कि इस फिल्म का रिव्यू करना बहुत जरूरी है और वो फिल्म है डंकी। जी हाँ, डंकी फिल्म गए हफ्ते में रिलीज हुई और उसके बहुत सारे रिव्यूज हैं, नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा आए और इस वजह से ये फिल्म फ्लॉप है ऐसे बहुत लोगों ने कहा। लेकिन जब मैंने कल ये फिल्म देखी तो मैं कहूंगा कि ये है राजीव हिरानी की फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट फिल्म है। डंकी बहुत प्रॉपर फिल्म है, ये राजू हिरानी की फिल्म है। ये फिल्म ये एक हफ्ते भर अगर फ्लॉप रही होगी तो से लोग कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म नहीं चली, तो भाई मैं आप सभी से विनती करूंगा कि वे जाइए और देखिए ये फिल्म डंकी, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट फिल्म। ये फिल्म है, ये फिल्म में जो मैसेज दिया है ना राजू हिरानी जी ने, पहले ही फ्रेम में ये फिल्म क्या है इसके बारे में हमें आइडिया दी है और उन्होंने झूठ नहीं कहा है, लोगों को क्लियर कट बताई ये फिल्म किस पर बेस्ड है। और जब फिल्म देखते हैं तो उसमें जो सीक्वेंसेस है, उसमें जो स्क्रीन प्ले है और इसमें जो भी है वो ग्रेट है। राजू हिरानी टाइप की फिल्म है, कॉमेडी है, मजा है, फिल्म करेक्ट है। जो भी आपने रिएक्शंस देखे या रिव्यू देखे उनको भूल जाइए और ये फिल्म जाके देखिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म और ये फिल्म हिट है। अगर ये हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई ये फिल्म बकवास है, उसे गिराने के पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये राजू हिरानी की फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है, मिस मत कीजिए, क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो हमारे देश से बहुत कनेक्टेड है और ये फिल्म देश प्रेम के बारे में। ये फिल्म जो है, जो लोग बाहर अपने अपना देश छोड़ के जाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो उस पर बेस्ड ये फिल्म है, लेकिन जिस ढंग से वो लोग जाते हैं, जिस ढंग से गए थे, यानी ये पास की फिल्म है, ये पीरियड फिल्म है, यानी 1971 की फिल्म है, कुछ वाकये ऐसे घटे थे तो उस पर ये बेस्ड फिल्म है, लेकिन आज भी वो करेक्ट ताजा सब्जेक्ट पर है। आखिर में एंड स्क्रॉल में भी उन्होंने दिखाया कि ये क्या है और किस पर है और आज क्या चल रहा है हमारे देश में और हमें अगर बाहर जाना है तो क्या होता है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये फिल्म बनाई है। डोंट मिस दिस फिल्म, प्लीज प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म टंकी। शाहरुख खान हो या सभी आर्टिस्ट, विक्की कौशल का जो रोल है वो ऐसे लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है, बहुत प्यारा रोल है, आउटस्टैंडिंग रोल है, बहुत अच्छा काम किया और सभी एक्टर्स ने अच्छा काम किया। शाहरुख खान है तो भाई बात ही नहीं कर सकते हम, शाहरुख खान ने जिस तरह से काम किया है क्लास है। बस वो और हमारी जो हीरोइन है, इनके कुछ सीन से जहाँ कुछ जरा ड्रामेटाइज एक्टिंग हुई है, यानी नेचुरल एक्टिंग नहीं हुई कुछ सीन्स में, बाकी फिल्म कड़क है, कड़क फिल्म है, हिट फिल्म है डंकी। ठाकुर के बिंदास बोल से मैं बिंदास बोलूंगा कि जाइए और देखिए ये फिल्म डंकी, किसी के रिव्यू को मत आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूं एक हफ्ता अगर नहीं चली तो अगले हफ्ते ये हफ्ते चलनी चाहिए डंकी फिल्म, आप जाइए और देखिए, डोंट मिस दिस फिल्म। ठाकुर के बिंदास बोल से कहूंगा कि दिस इज राजू हिरानी फिल्म एंड इट इज ग्रेट फिल्म, यू मस्ट वॉच दिस फिल्म। ठाकुर के बिंदास बोल से मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि जाइए और देखिए फिल्म, बहुत प्यारी फिल्म है, अच्छी फिल्म है, चलनी चाहिए, आप जाओगे तो फिल्म चलेगी। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में जो राइवली चलती है वो भूल जाएंगे। बहुत मैसेज है फिल्म, यूथ ने देखने लायक फिल्म है, यूथ मस्ट गो एंड वॉच दिस फिल्म। ठाकुर की बिंदास बोल से मैं बिंदास कहूंगा, तो अगला रिव्यू लेके जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।